वैसे दोस्तों सैमसंग ने अपनी तीन सीरीज लॉन्च की थी, सैमसंग की ए सीरीज, सैमसंग की एस सीरीज और सैमसंग की एम सीरीज। तीनों ही सीरीज काफी ज्यादा कमाल की सीरीज थी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ए सीरीज में आपको फोन देखने को मिलते थे वो आपको मिड रेंज वाले फोन देखने को मिलते थे, और जो एम सीरीज थी उसमें आपको बजट वाले फोन देखने को मिले थे, और सैमसंग की जो एस सीरीज थी उसमें आपको फ्लैगशिप वाले फोन देखने को मिले थे। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है सैमसंग A80। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फोन पहले ही अप्रैल में लॉन्च हो गया था लेकिन ये ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ था, और अब ये आपको देखने को मिल रहा है। इसकी प्री बुकिंग जो है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और ये आपकी 31 जुलाई तक चलेगी। इस प्री बुकिंग में आपको क्या क्या ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी जो प्राइस क्या रहने वाली है और क्या क्या नए फीचर्स के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। या फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को जरूर से प्रेस कर दें। मैं आपको पहले इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो की बाद में भावना में खो जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सैमसंग के A80 की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ये डिस्प्ले नो नॉच के साथ आती है, मतलब नॉच मतलब नो नॉच। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो रहने वाला है स्क्रीन का, तो मतलब क्या है स्क्रीन में आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, और कमाल की बात यह है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या है स्किन आपकी बहुत ज्यादा कमाल धमाल होने वाली है। अगर फोन आपका ऊपर से गिर भी जाएगा तो भी आपका फोन नहीं टूटने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में। तो आपको पता है 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, तो बैटरी भी कहीं ना कहीं बड़ी होनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, इसमें आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और ये टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा। कमाल की बात ये है कि इसमें आपको 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, मतलब क्या है जैसे कि आपने इन केसेस में अपना फोन रात में चार्ज नहीं कर पाया, सुबह मॉर्निंग में आपको कहीं जल्दी से जाना है तो आप जैसे ही चार्ज पे लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका फोन चार्ज हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, हमारे टाइम को बचाएगा कहीं ना कहीं, अगर हम जल्दी में तो हमारे फोन को जल्दी से चार्ज करके देगा। वैसे दोस्तों आप एक चीज में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं जी फ्रेंड्स, लाइक के मामले में, मतलब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए और आप एक लाइक हमें नहीं देते हैं। एक बटन दिख रहा है आपको लाइक वाला, उस पर जल्दी से क्लिक करके उसको ब्लैक को नीला कर दें। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 730 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। या फ्रेंड्स, काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, आप सारे लोग जानते ही हैं। वैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी फोन्स आ रहे हैं उन सारे फोन्स में आपने एक चीज नोटिस की होगी, सारे फोन्स में क्वालकॉम के ही प्रोसेसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्वालकॉम का प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस प्रोसेसर के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके वेरिएंट के बारे में, कितने वेरिएंट में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, और इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम लोग इसके मेन फीचर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इसके कैमरे को लेकर के, तो इसमें आपको 48 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है बैक वाला, जो कि 2.0 अपर्चर के साथ आएगा। 8 MP का आपको एक और कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि वाइट एंगल को सपोर्ट करेगा, जो कि 2.2 अपर्चर के साथ आएगा, और जो एक और कैमरा दिया गया वो 3D का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है। क्या फ्रेंड्स, मतलब क्या इसमें आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं। कमाल की बात यह है अगर मैं इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब क्या है जैसे आप फ्रंट कैमरे पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप होकर के जो बैक वाले कैमरे हैं वही फ्रंट कैमरे का रोल अदा करेंगे। एक फोन आया था Asus का Zenfone 6, उसमें भी आपको यही कंडीशंस देखने को मिली थी, और इस फोन में भी आपको यही कंडीशंस देखने को मिल रही है। बाकी आपको क्या लगता है इस कैमरे के फीचर्स को लेकर के,
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे है ना कमाल की बात। मैं आपको इसकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता दूं, मैं जैसे कि बता दूं आपको ये एंड्रॉइड 9.5 पर वर्क करेगा और ये आपको तीन कलर में देखने को मिलेगा, व्हाइट, गोल्ड और आपका फैंटम ब्लैक, तीनों ही कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फाइनली बात करेंगे हम लोग इसके प्राइस को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो प्राइस रहने वाली है 8GB 128GB स्टोरेज की जो प्राइस रहने वाली है वो 47,000 रुपये रहने वाली है। लेकिन अगर मैं इसके ऑफर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो प्री बुकिंग है, प्री बुकिंग वाले लोग 22 जुलाई से 31 जुलाई तक करा सकते हैं और उनको 1 अगस्त को ये फोन मिल जाएगा। लेकिन इस प्री बुकिंग कराने में आपको जो ऑफर्स देखने को मिल रहा है वो आपको बता दूं कि इसमें आपको वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट की वारंटी देखने को मिल रही है। ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि इतने महंगे फोन में अगर बाय द वे स्क्रीन टूट जाती है तो ये स्क्रीन रिप्लेसमेंट का जो आपको ऑफर मिल रहा है ये काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है मैं ये कहूंगा, क्योंकि स्क्रीन इनकी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। और एक और जो इसका ऑफर्स देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, अगर आपके पास सिटी बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे आपको 5% का कैश बैक भी देखने को मिल रहा है। जी फ्रेंड्स, अगर जो फोन खरीदना चाहते हैं इसको वो प्री बुकिंग करा ले तो उनके लिए ज्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये मार्केट में जो कम्पीट करने वाला है वो नोकिया प्योर व्यू के साथ कम्पीट करने वाला है, जो कि पेंटा कैमरा के साथ आया है। हमने उस पर एक वीडियो बनाई है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नोकिया के पेंटा कैमरा को लेकर के इंटरेस्टेड है तो जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर से देख ले। और ये कम्पीट करेगा आपका OnePlus 7 के साथ। और एक और नया फोन आया है Oppo Reno 10X Zoom, काफी ज्यादा कमाल फोन है, उसके साथ ही कम्पीट करने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये मार्केट में चल पाएगा या क्या ये मार्केट में उनको कम्पीट कर पाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये था आपका Samsung का A80। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा, इस वीडियो का बेस्ट ऑफ द पार्ट कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर से प्रेस कर देना। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।